राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज कार्तिक मास बड़ा शुक्रवार और मैं आपको सुना रही हूँ अन्नपूर्णा स्तोत्र। बंधुओं, कार्तिक मास में शुक्रवार की शाम अन्नपूर्णा स्तोत्र को जो भी मनुष्य सुन लेते हैं उनके घर में कभी भी जिंदगी में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए ही अन्नपूर्णा स्तोत्र को सुने। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अन्नपूर्णा स्तोत्र को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा जरूर लिखें ताकि आपको अन्नपूर्णा स्तोत्र सुनने का पूरा फल प्राप्त हो सके। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। सिंदूर अरुण विग्रह श्री नयनाम माणिक्य मौली स्फुरत तारा नायक शेखराम स्मित मुखी मापिन बक्षोरुहाम पानी भ्याम मली पूरन रतन चष्कम रक्त उत्पलम विभ्रतिम सौम्याम रतन घटस्थ रक्त चरणान ध्याये परा अंबिका। हे माता अन्नपूर्णे, तुम सदा आनंद करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में निरंतर वर और अभय रहते हैं। तुम सुंदरता रूप रत्नों की खान हो। तुम अपने भक्तों के समस्त पाप नाश करके उन्हें पवित्र कर देती हो। तुम ही सबकी ईश्वरी प्रत्यक्ष महेश्वरी हो। तुमने ही गिरिराज हिमालय के वंश को पवित्र किया था। मैया, तुम ही काशीपुरी की महारानी हो। तुम ही संपूर्ण संसार के तय अन्नपूर्णा हो। अतः सब की माता भी तुम हो, सो कृपा कर मुझे भी भिक्षा दो। हे भगवती अन्नपूर्णे, तुम ही अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा विचित्र आभूषण धारी हो। तुम्हारा शरीर स्वर्ण आडंबर से अलंकृत है। तुम्हारे उरुज दो कुंभों के मध्य का भाग हृदय में लंबायमान मुक्तहार से सुशोभित है। तुमने अपने शरीर को कुमकुम और अगर आदि सुगंधित द्रव्यों से कांतिमान करा है। तुम ही काशीपुरी की अधीश्वरी हो, कृपा करके मुझे भिक्षा दो। हे माता, योगी पुरुषों के योग के द्वारा तुम ही आनंद देती हो। अपने भक्त जनों के शत्रुओं का नाश करती हो। हे मैया, धर्म और धन के साधन में भी तुम ही सहायता करती हो। अतएव उन कार्यों में दृढ़ निष्ठा करती हो। तुम्हारा तेज चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाशित है। तुम अपनी पूर्ण शक्ति से त्रिलोकी की रक्षा करती हो। अपने भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करके उनके निमित्त संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हो। हे काशीपुराधीश्वरी, तुम मुझे भी भिक्षा दो। हे देवी, तुमने कैलाश पर्वत की कंदराओं में अपना स्थान बनाया। तुम ही गौरी उमा और शंकरी हो। तुम ही कौमारी और निगमों के अर्थ करने वाली हो। तुम ही ओंकार स्वरूप बीजाक्षर वाली हो। हे भगवती, मोक्ष मार्ग के कपाट खोलने में केवल एक तुम ही समर्थ हो। हे काशीपुराधीश्वरी, मुझे भिक्षा दो। हे अन्नपूर्णे, तुम संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जीवों को भोजन दान कर उनको सब प्रकार शक्तियों से सुसंपन्न करने वाली हो। यह निखिल ब्रह्मांड तुम्हारे उदर भाण में स्थित है। तुम ही अपनी शक्ति द्वारा संपूर्ण चराचर को सबकीय कार्यों में प्रवृत्त करती हो। ज्ञान रूप दीपक की शाखा हो। तुम ही अपने विशेष चातुर्य से श्रीमान विश्वनाथ भगवान के मन को संतुष्ट करती हो। अतएव काशीपुरी की तुम्ही अधीश्वरी हो, मुझे भिक्षा प्रदान करो। हे ईश्वरी, तुम्ही भूमि के उपस्थित संपूर्ण जन समुदाय की ईश्वरी हो। तुम्ही ऐश्वर्य संपन्न और अन्न धन से भरपूर हुई अन्नपूर्णा माता हो। तुम्हारे केश नीले वर्ण से शोभा पाते हैं और हे परमेश्वरी, तुम्ही सबको अन्न दान देती हो। तुम सदा आनंद और शुभ दशा करने वाली हो। हे काशीपुराधीश्वरी, मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। हे परमेश्वरी, दीक्षित होकर संसार में जो शिक्षा प्रदान करते हैं, इन सब का तुमने ही उपदेश किया है। तुमने ही महादेव के तीन भावों का विधान किया है।
स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकों में अपनी माया से परमेश्वरी प्रतीत होती हो। तुम ही लोक में गंगा, यमुना और सरस्वती होकर प्रवाहित हो रही हो, जिस वस्तु का कभी नाश ना हो, ऐसी मोक्ष रूपा वस्तु की देने वाली भी तुम ही हो। अभिलाषी पुरुषों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली भी तुम हो। हे माता, तुम अपने भक्त जनों की उन्नति करती हो। हे काशी पुराधीश्वरी, हे अन्नपूर्णेश्वरी माँ, मुझे भिक्षा दान करो। हे महामाए, तुम देवी हो, तुम्हारा शरीर विचित्र रत्नों के आभूषणों से अलंकृत है। तुम ही सती रूप से दक्ष प्रजापति के घर उत्पन्न होकर दक्षायनी कहलाई हो। तुम स्वाभाविक सुंदरी हो, तुम सब जगत की माता, इस कारण अपने स्तनों का मधुर दुग्धपान करा के ही साधन करती हो। तुम सबकी महाईश्वरी हो, शुभ दशा की प्रवृत्ति करती हो, अतएव मुझे भिक्षा दान करो। हे भगवती, तुम करोड़ों चंद्रमा, असंख्य सूर्य और अनगिनत अग्नि समान हो। तुम्हारे आनंद की अपार छवि मानो चंद्रमा की किरणों को धारण करती है। तुमने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तुल्य दधिप्यमान कुंडल धारण किए हैं। चंद्रमा और सूर्य के समान तुम्हारा उज्जवल वर्ण है। हे मात, तुमने अपने एक एक हाथ में क्रम से माला, पुस्तक, पाश और अंकुश को धारण किया है, अतएव तुम ही मुझे भिक्षा दान दो। हे माता, तुम ही अपने छत्र का आश्रय लेकर सबकी रक्षा करती हो, सबको अभय दान देती हो, इसी से तुम सबकी माता हो। तुम ही कृपा की सागर रूपा हो, अतएव साक्षात मोक्ष पद की देने वाली हो। तुम सदा सबका मंगल विधान करती हो। निखिल पालन पोषण करने वाले श्री महादेव जी की शिव वृद्धि करने वाली भी तुम ही हो। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विघ्न करके उसे रोधन करने वाली तुम ही हो। हे माता, तुम ही सबको आरोग्य प्रदान करती हो। हे माता, तुम ही भिक्षा प्रदान करो। हे अन्नपूर्णे, तुम समस्त सौभाग्यों से सदा भरपूर हो। हे माता, तुम ही कल्याणकर्ता महादेव जी की प्राणों के समान प्यारी हो। हे पार्वती, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए मुझे भी भिक्षा प्रदान करो। मैं केवल यही चाहता हूँ कि गिरिराज कुमारी पार्वती मेरी माता, महाप्रभु शिव जी महाराज मेरे पिता, महादेव जी के अनन्य भक्त मेरे बंधु बांधव हैं, तीन लोक मेरे स्वदेश हैं। ऐसा ज्ञान सदा मेरे हृदय में दृढ़ भाव से स्थित रहे। इति श्री अन्नपूर्णा देवी स्तोत्र संपूर्णम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।